जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ थोड़े नाल गौरव शुक्ला हाजिर हाँ 5 बजे पंजाब लैके शुरुआत करन जा रहे हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल की सब तो पहला गल होगी। उप मुख्यमंत्री ने हुशियारपुर के अच्छ संगत दर्शन किया, 70 पंचायतों दी मुश्किलां सुनिया, मौके पर ही उन्होंने मुश्किलों हल भी किया। लोगों को संबोधन करते हुए उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान आम आदमी पार्टी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पंजाब विरोधी ने, सिर्फ श्रोमणी अकाली दल ही पंजाबियों के हितों की सच्ची हिमायती। अगुवाई कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। मैं बेनती करांगा उन्होंने कोई सवाल पूछना चाहना है, एक भी निशानी याद कर लो। पंजाब जो 5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह सी, एक भी निशानी उन्होंने चुकी होए, एक बार भी थोड़े हल्के गए हो या एक भी कोई वड्डा काम तुम याद नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने एक निशानी भी नहीं छी। दूजे टोपी वाले बच्चे हैं जिन्हों का तुम करदार देख लो, उन्होंने निशाना पर पंजाब की तरक्की ने। और सारे तुम आप दिल्ली जाके देखो, जिहड़ा 1.5 साल पहले दिल्ली की जनता ने उन्होंने 60% वोटा देकर सारे एमएलए चुना रहे थे। हूँ ही महीना डेढ़ महीना पहले इलेक्शन होया, उसे 15 सीटा जो असं 5 जित सके हैं। तो उप मुख्यमंत्री के निशाने उत्ते कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी रही। उधर श्रोमणी अकाली दल महिला विंग नूं संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी दोवां ते सियासी हमला किया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि दोवां ही पार्टियां सिख विरोधी ने। माता गंगा जी की याद च श्रोमणी अकाली दल की महिला विंग का सम्मेलन। सम्मेलन का मकसद से 2017 ली अकाली दल की महिला विंग नूं किवें मजबूत किया जाए। सम्मेलन च केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी शामिल हुए। इस मौके हरसिमरत कौर बादल ने जिथे औरतों लई पंजाब सरकार वालों किए जा रहे कामों नूं गिणवाया, उत्थे कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी ते भी तिखे हमले किए। हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी दोवां ते सिख विरोधी होण दा इल्जाम लगाया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब की सियासत में औरतों की शमूलियत वधाउण दे लई उन्हां दी पार्टी आने वाली विधानसभा चोणां च वध तों वध औरतों नूं टिकट देण ते जोर देवेगी। उधर श्रोमणी अकाली दल दी महिला विंग दी प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा कि पार्टी नूं मजबूत करन लई उह सूबे दे सारे जिलियां विच महिला विंग दे सम्मेलन करनगे तां जो वध तों वध महिलावां नूं पार्टी नाल जोड़िया जा सके। सानूं अग्गे आना चाहीदा हैगा। मैं उम्मीद करदी हां कि साडी पार्टी जिथे कुड़ियों वास्ते औरतों वास्ते भावें सिक्ख्या मुफ्त हो किन्नी सारी चीज़ा कीतिया ने, इस बारी टिकटा दे वंड च भी बहुत काबिल बीबियां नूं अगे लैके आणगियां। ये सारे जिलों के जिहड़े छोटे जिले है वो 2 रखांगे इकट्ठे करके, जिहड़ा वड्डा जिला वो 1। साडी कोशिश है कि 10-15 हज़ार की गैदरिंग जिहड़ी है वो औरतों नूं असीं करिए, और सानूं खुशी है कि अज मेरा ख्याल असीं जो सोचिया सीगा वो तो किते वध गई। पंजाब विच औरतों का वड्डी गिणती विच वोट बैंक है, इसी हर पार्टी की नज़र हुण महिलावां ते है। अकाली दल ने मिशन 2017 नूं लैके हुण तों तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने। सरकार वालों महिलावां लई कीते कम्मां बारे महिला पार्टी वर्करां नूं दस्सिया जा रहा है तां जो जनता विच जाके सरकार दे कम्मां बारे दस सकण। नेहा शर्मा, जी मीडिया, जीरकपुर। अगे वधदे आं, अगली खबर की गल होगी। बैबल कला गोलीकांड की जांच कर रहे जोरा सिंह कमिशन अज अपनी रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंप तक सकती सी। रिटायर्ड जस्टिस सिंह जोरा सिंह की अगुवाई दे विच कमिशन ने इस गोलीकांड की जांच की। जांच कमिशन नू जांच पूरी करन विच अपने तय वक्त तो वध समा लग गया। इस जांच के लिए 200 तो वध लोगों की गवाही कलमबंद की गई। बरगाड़ी विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी तो बाद 14 अक्टूबर में बैबल कला के शांतमई ढंग प्रदर्शन कर रहे लोगों से पुलिस वालों चलाई गई गोली में 2 सिख नौजवानों की मौत हो गई थी। 2 सिख नौजवानों की मौत तो बाद सिख जथेबंदियों वालों जांच की मांग करने सूबा सरकार ने एक मैंबरी रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह कमिशन का गठन किया।
अगे वे 1984 सिख दंगिया उस वेले दी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दे कतल तो बाद होए सामूहिक कतलकांड विच हुण हरियाणा सरकार पीड़ित परिवारों नूं मुआवजा देवेगी। मुआवजा देण दे लई बनाई गई रिटायर्ड जस्टिस टी पी गर्ग ने अपनी रिपोर्ट विच गुड़गांव अते पटौदी दे पीड़ित परिवारों नूं 12.07 करोड़ देण दा फैसला किया है मुआवजे वजों अते छेती ही राशि पीड़ित परिवारों नूं दिती जाएगी। 1984 विच होए कतलेआम च गुड़गांव अते पटौदी विच 193 परिवार इन्हां दंगियां नाल प्रभावित होए सन। इन्हां दंगियां च गुड़गांव च 20 लोगों की जान गई सी जदों कि पटौदी विच 12 लोग मारे गए सन। गुड़गांव च मारे गए लोगों के परिवार वालों नूं 3 करोड़ का मुआवजा बनया है जदों कि पटौदी विच ये राशि तकरीबन 2 करोड़ यानी कि 1.80 करोड़ बनी है। इस अलावा इस कतलकांड विच जख्मी परिवार सरकारी मकाना गड्डियां दुकाना ते फैक्ट्रियां नुकसान होया सी ते उसकी कुल मिला के राशि 12.07 करोड़ जिहड़ी आंकी गई है ते ये सिफारिश की गई है जो पीड़ितों नूं दित्ती जाए। मोदी और गुड़गांव के बारे में 1984 के जो सिख दंगे हैं उनकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है और उस रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने रिकमेंड किया है कॉम्पनसेशन जिसमें 12.07 करोड़ का कुल कॉम्पनसेशन उन्होंने इसमें रिकमेंड किया है और उसके ऊपर सरकार के आदेश हो गए हैं और वित्त विभाग उसके ऊपर अब अपनी कार्रवाई कर रहा है। गुड़गांव में 20 डेथ के केसेस हैं जिनमें 3 करोड़ का कॉम्पनसेशन रिकमेंड किया है। इसके अलावा पटौदी में 12 डेथ के केसेस हैं जिनमें 1.80 करोड़ का कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है। इसी प्रकार से डिफरेंट कैटेगरीज में जैसे कुछ इंजरी के केसेस हैं कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के डैमेज के केसेस हैं इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में लगभग 12.07 करोड़ का कॉम्पनसेशन रिकमेंड किया है।